ब्लॉगर्स इनसे पूछते हैं कि जो नवाज शरीफ को जूता मारा गया, क्या वो ठीक बात है कि नहीं? मेरे ख्याल से तो बहुत गलत बात है, क्योंकि हुकूमत जो सीट्स होती है ये तो नसीब की बात होती है, लेकिन एक रिस्पेक्ट जो होती है वो अपनी होती है, तो ये गलत चीज़ है, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं जी, और जिसने जूते मारे हैं उसका, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं उसके बारे में यही कहना चाहूँगी कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। आप आगे वोट ना दें, उनको दोबारा ऐसे ना बनाए, नहीं बनाना, लेकिन ऐसे किसी की इंसल्ट ना करें, ये अच्छी बात नहीं है। मैं इस हक में नहीं हूँ कि नहीं मारना चाहिए, सियासत एक जगह पे और इंसान नहीं होता, ये सब कुछ एक साइड पे है। यानी गलत किया जिसने भी मारा, बहुत गलत किया। देखा जाए तो ये गलत बात है, क्योंकि पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को जूता पा रहा है, क्यों जूता मारा जा रहा है, बहुत 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 गलत बात है। वैसे मैं नवाज शरीफ का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन इसको जूता पड़ना नहीं चाहिए था। मेरे व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये है कि इसको जूता नहीं मारना चाहिए था। जिसने मारा है उसके बारे में आपका क्या? बहुत 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 गलत बात है, तो बिल्कुल गैर इखलाकी है। आप थोड़े से तो एथिक्स सिखाओ, कहीं और बाहर पता लगे तो, क्या पाकिस्तान के अंदर तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है अपने पॉलिटिकल इनके। ये एडिकेट्स के खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए था बिल्कुल। बाकी सियासी इख्तलाफात तो हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसने जूते मारे उसको आप कुछ कहना चाहेंगे? बस उसको रिहा कर दें आप, इज्जत। बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। क्यों? ऐसे किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई मसला है तो आप उसको सॉल्व करो, ऐसे फजूल मारने वाली बात नहीं है। हमारे लीडर रह चुके हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमारे लाहौर में तो बहुत कुछ किया उन्होंने, मगर ये है कि नहीं, उनको ऐसे नहीं मानना चाहिए, जूता नहीं मानना चाहिए। ये एक लीडर हैं, हाँ उनके, हाँ गलत बात है, गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में देखें, जूता जो है हमारे बचपन से हमें सिखाया जाता है, पेरेंट्स बच्चों को भी नहीं मारना चाहिए, तो ये तो बहुत, मतलब कि आप अपनी जो ऑपोजिट साइड है उसको मतलब ऐसा ना करें, हर एक के अपने व्यूज़र्स की इज्जत करनी चाहिए। डिफरेंसेस हैं वो अपनी जगह, लेकिन जो अखलाक कैसे गिर के काम है वो गलत है। यानी गलत उसकी करप्शन के अगेंस्ट हो, लेकिन ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए जी। बिल्कुल ठीक हुआ है, ठीक हुआ है। आप बताएं, ओपिनियन ये है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। वो क्यों? यार जब आप डेमोक्रेसी में होते हो ना, और ये आपका इंटरनेशनल मीडिया के सामने आपकी रेपुटेशन देता है, आपके पाकिस्तान की रेपुटेशन देता है। आज से साल पहले इंडिया में ये हुआ था कि मुंह पे इंक फेंक देना, जूता मार देना, इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज़ को कवर किया था, और आज फिर वही हो रहा है कि हमारे जो PM ex-PM उन्हें जूता पड़ा और वो इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा है, और अब इमरान खान के ऊपर 3 अटेम्प्ट हो चुकी हैं, तो ये फिर तो चलता रहेगा इस तरह। कोई भी हो, कोई भी सियासतदान हो, ठीक है वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी जगह पे कर रहा है, लेकिन ना ये चीज़ें मारना, ये अपने आप को बयान करना है कि वो कितना पढ़ा लिखा है या उसके पास कितना नॉलेज है इस चीज़ का, ठीक है सबके सियासत नाम ही इस चीज़ का है कि उसमें ये सब चलता रहता है कि जी करप्शन, और अगर वो कोई काम करवा रहा है तो ज़ाहिर है सियासत का नाम क्या है, कि सियासत का नाम है सियासत करनी है ना, तो इसलिए अगर कोई जूता लगा या ये चीज़ें एक बंदे की खुद की इमेज को जाहिर कर रहा है कि उसके जूता मारना या कि ठीक है उसका काम है, नैब उसके पीछे लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट उसके पीछे पड़े हुए हैं, तो वो हर इदारा अपना काम कर रहा है, तो फिर इस तरह ये काम करना, जूता मारना, इंक फेंकना, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। एक मुल्क का जो सरबराह होता है, सरबराह बाप की जगह होता है। आप मुझे बताएं, कोई किसी के बाप को जूता मारे तो आपके ऊपर क्या गुजरेगी? चाहे वो कोई भी हो, सरबराह सरबराह होता है, वो बड़ा होता है, और वो हमारे हिसाब से ये गलत है। इसमें जो है ना शाइस्तगी का अमल ही कोई नहीं है, ना शाइस्तगी बात है ये, और ये गलत है। यानी ये ठीक नहीं, बिल्कुल गलत हुआ, 100% गलत है। तो जिसने ये हरकत की है उसको आप कुछ कहना चाहेंगे? उसको जूते मारने चाहिए, ताकि उसको पता चले कि किसी की अगर आप बेइज्जती कर रहे हो तो उसका क्या, उससे क्या होता है। Pakistan's first online easy installment portal. Get mobiles, laptops, motorbikes and home appliances and much more on easy installments by ordering online in just simple 2 steps. Visit atombody.com or call 0300-8622-866. For the advertisement of your brand, company or business, contact us through our Facebook page.